हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, यदि आपके मोबाइल की बैटरी भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है या फिर आपके मोबाइल को चार्ज करने में 2 या 3-4 घंटे का समय लगता है तो फिर ये वीडियो आप देखते रहिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप अपने मोबाइल फ़ोन को घंटों में नहीं मिनटों में चार्ज कर पाएंगे। तो आप बने रहिए। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए, और बाजू में घंटी का आइकॉन है इस पर भी आप क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहे। तो चलिए प्ले स्टोर पर चलते हैं और उस एप्लीकेशन को हम सर्च करते हैं जिसका नाम है फास्ट चार्जिंग 2017। ये थर्ड नंबर की एप्लीकेशन आपकी आ जाएगी। आप इसका आइकॉन देख लीजिए, इस प्रकार की एप्लीकेशन है, 2017 की एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। 4.5 की रेटिंग है इसकी। आपको यदि ये एप्लीकेशन ढूंढने में दिक्कत आती है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। तो चलिए इसको हम यहीं से ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद इस प्रकार का इसका इंटरफेस ओपन होगा। आप ऑप्टिमाइज पे क्लिक करेंगे तो ये आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली आपकी मोबाइल की प्रोसेस करने लगेगा, और उसके बाद आप फिनिश पे ओके कर दीजिए। पावर सेविंग मोड ऑटोमेटिक ऑन हो चुका है, जिससे आपके मोबाइल की बैटरी काफ़ी ज़्यादा समय तक चलेगी। अब दोस्तों, चार्जिंग फास्ट चार्जिंग की बात करें तो ये नेक्स्ट ऑप्शन है चार्जर का। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो इस प्रकार का पेज ओपन होगा। फिर आप अपने मोबाइल को चार्ज पे लगा दीजिए। जैसे ही आप चार्ज पे लगाएंगे तो ये आपका मोबाइल बताने लगा कि आपका मोबाइल चार्ज होने लगा है। फास्ट चार्जिंग ऑन गोइंग के आइकॉन पे आप देखेंगे तो ये चक्री सी घूमने लगती है। इसका मतलब है कि आपका मोबाइल फास्ट चार्जिंग में हो रहा है। और इधर आप मोड भी हैं कुछ, सेविंग मोड, स्लिप मोड, तो आप ये सेविंग मोड पे ही रहने दीजिए इसको। डिटेल में कुछ बताया गया है कि आपके मोबाइल की बैटरी कितने समय तक चलेगी, वीडियो 18 घंटे तक, म्यूजिक कितने तक, जो आपकी बैटरी बची है उसका टाइम बता रहा है। और टास्क कलर के अंदर दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन होंगी उनको आप यहाँ से किल कर सकते हैं, यानी कि स्टॉप कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, आप तो डायरेक्ट चार्जिंग पे लगाइए और अपनी मोबाइल की बैटरी को फास्ट चार्जिंग कर लीजिए। और दोस्तों, ये चार्जिंग किस प्रकार से करता है मैं आपको बता देता हूँ कि आपके मोबाइल के अंदर जितनी भी रनिंग एप्लीकेशन होती हैं जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं वो उनको ये स्टॉप कर देता है, जिससे मोबाइल की बैटरी बहुत ही फास्ट चार्ज हो जाती है। यदि आप स्विच ऑफ करके यदि अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं तब भी बहुत फास्ट चार्ज होता है, उसी प्रकार से हम अपने मोबाइल को ऑन रखते हुए फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अब जो लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं उनके अंदर ये फीचर ऑलरेडी आता है, जैसे कि पावर सेविंग मोड और मोबाइल को फास्ट चार्जिंग करने वाला ऑप्शन लेटेस्ट नए नए मोबाइलों में आ रहा है। लेकिन यदि आपके मोबाइल में ये वाला फीचर्स नहीं है फास्ट चार्जिंग का और पावर सेविंग मोड का, तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने मोबाइल को स्मार्ट बना सकते हैं। और ये काफ़ी पुराने वर्जन में एप्लीकेशन काम नहीं करेगी, और यदि आपका लेटेस्ट मोबाइल है तो उसमें आपको ये आवश्यकता नहीं होगी इस एप्लीकेशन को करने की। और दोस्तों, यदि आप और भी फास्ट चार्जिंग करना चाहते हैं तो आप अपना डाटा ऑन कर ऑफ कर दीजिए और टाइम आउट ब्राइटनेस कम कर दीजिए, तो आपका मोबाइल और भी जल्दी फास्ट चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने मोबाइल को बहुत ही फास्ट तरीके से चार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक आप ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं चलता हूँ, फिर मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।